एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्वेश्चन है, अ शेल जिसका मास कितना है 30 kg, ये लो एक शेल है, ये है 30 kg का शेल है और ये शेल मूव कर रहा है या इसकी वेलोसिटी 48 m/s है, क्लियर है। व्हेन इट एक्सप्लोड्स, टुकड़े हो गए, ये बात पक्की है, वन पार्ट ऑफ 18 kg, तो एक 18 kg का मास है तो अंडरस्टूड है दूसरा 12 kg का मास है, 18 kg और 12 kg का मास है, 18 kg का जो मास है वो क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। व्हाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी व्हाइल रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, वी। तो आपको ये बताना है कि वी क्या होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली मोमेंटम की वैल्यू कितनी है 30 × 48, फाइनली इसका मोमेंटम क्या है, जीरो, और इसका मोमेंटम क्या है 12 × v, तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। आंसर क्या, स्टेप क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है 120? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे डायग्राम बनाए प्लीज, पहले बढ़िया सा डायग्राम मन में बनाए, कॉपी भी बनाए, फिर सॉल्व करें। न्यूट्रॉन हैविंग मास, एक काम करते हैं या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है जिसका मास कितना गिवन है, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, किस मास इतना है, एंड मूविंग एट 10⁸ m/s कोलाइड विद अ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, और इसका मास क्या है 3.34 × 10⁻²⁷, तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, वो कहता है ये दोनों स्टिक हो गए, चिपक गए, ओके चिपक गए, तो अब इनका मास 1.67 × 10⁻²⁷ प्लस 3.34 × 10⁻²⁷ हो गया, और कह रहे हैं इसकी स्पीड क्या होगी चिपकने के बाद, देखो वो चिपके हैं या सेपरेट हो, कोलिजन तो हो गई, टक्कर तो हो गई, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली क्या सिचुएशन है, मोमेंटम क्या है, 1.67 × 10⁻²⁷ × 10⁸ m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम क्या है, जीरो, रेस्ट पे है, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, 1.67 × 10⁻²⁷ प्लस 3.34 × 10⁻²⁷ इनटू कॉमन वेलोसिटी वी, तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कैसे करना है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का देखें प्लीज।